वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW फुल गियर पेपर व्यू शुरू होने वाला है। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के फुल गियर पेपर व्यू पर सरप्राइज डेब्यू को लेकर बात करेंगे। वल्गार बात करें यहां पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू की, तो गाइस यहां पर ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी एक न्यू रेसलर को साइन करने वाली गए। और गाइस, इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी जिन रेसलर को साइन करने वाली गए, वो रेसलर WWE का कोई करंट या फॉर्मर सुपरस्टार ना होके बल्कि NJPW के करंट सुपरस्टार विल ऑस्प्रे होने वाले गए। वेल गाइस, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, विल ऑस्प्रे का NJPW कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने के अंदर ओवर होने वाला है। बट गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि विल ऑस्प्रे के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही टोनी खान ने विल ऑस्प्रे को मल्टी मिलियन डॉलर देके AEW कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस, यहां पर टोनी खान ने ऑस्प्रे के NJPW कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से बाय आउट करते हुए AEW कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और गाइस, विल ऑस्प्रे वो रेसलर होने वाले हैं जो AEW के आज फुल गियर पेपरव्यू के ऊपर AEW के साथ ऑन स्क्रीन कॉन्ट्रैक्ट को साइनिंग करेंगे। वेल गाइस, अब ये तो पेपरव्यू को देखकर ही पता चलेगा कि विल ऑस्प्रे फुल गियर पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं या नहीं। बट गाइस, यहां पर विल ऑस्प्रे अगर पेपरव्यू पर अपीयर नहीं होते गए तो गाइस, विल ऑस्प्रे के अलावा एक और ऐसा बड़ा रेसलर है जो आज AEW के फुल गियर पर डेब्यू कर सकता है, और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार मर्सिडीज मून ने। वेल गाइस, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज मून के WWE को लीव करने के बाद मर्सिडीज मून वैसे तो NJPW पर काम करती गए, बट गाइस AEW के लास्ट पेपर व्यू ऑल इन पर अपीयर होने के बाद टोनी खान पिछले कुछ महीनों से लगातार मर्सिडीज मून से कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहे थे। और गाइस, इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस है कि आज यहां पर AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मून AEW के ऊपर उनका डेब्यू करे, और आज यहां पर AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी खान मर्सिडीज मून को साइन करे। वेल गाइस, अब ये तो पेपरव्यू को देखकर ही पता चलेगा कि टोनी खान, मर्सिडीज मून और विल ऑस्प्रे में से किसको आज AEW के फुल गियर पर साइन करते गए।